हेलो एवरीवन, मैं हूं नेमत और आप नेमत खाना देख रहे हैं। आज चिकन की इस रेसिपी को तैयार करने में मैंने ना दही का इस्तेमाल किया है, ना ही ड्राई फ्रूट्स का। नान के साथ बहुत अच्छा लगता है, बनाने में बहुत आसान है। इंग्रेडिएंट नोट कर लें। मैंने यहाँ पर 1 kg 200 g का चिकन लिया है, जो कि एक मीडियम साइज चिकन है, और इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर, निचोड़कर और पानी छानकर रख लिया है। हल्के हल्के मैंने इसे किचन टॉवल से सुखा लिया है, ताकि इसमें थोड़ा भी मॉइस्चर ना रहे। अब इसे मैरिनेट करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ 1 medium size नींबू का रस, या 1 tablespoon नींबू का रस डालने। साथ ही यहाँ पर डालना है हल्दी। हल्दी इसका प्रिजर्वेटिव होता है, इसे गलाता है, इसे ओडोरलेस भी करता है। साथ में मिर्च पाउडर, दोनों आधी आधी चम्मच हमें डाल लेना है। अब यहीं पर 1 tablespoon भरकर मिर्च और अदरक का हमें पेस्ट इस्तेमाल करना है। अदरक इसे ओडोरलेस बनाएगा, मिर्च इसमें टेस्ट देता है, और अदरक चिकन का गलावट भी होता है। अब इन सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह हाथों से मसल कर घंटे दो घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। अगर हाथों का इस्तेमाल करना है तो हाथ को साफ से धो लेना होगा। अगर मिर्चें हाथों को लगती हैं तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें। तो अब इसका अच्छी तरह से मसाज कर लेना है। अब मैंने इसे अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है, आप देख सकते हैं, और मैंने लेग के पीस पर एक स्लिट लगाया है, ताकि मैरिनेशन अंतर तक जा सके, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो सके। ये बेसिक मैरिनेशन है। आप किसी तरह का भी चिकन बनाएं, आप इस तरह से करके 1-2 घंटे अगर मैरिनेशन में रहने देंगे, तो आपका चिकन बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट और टेंडर बनेगा, टेस्ट भी लाजवाब होगा। यहाँ पर मैं नमक और लहसुन डालना भूली नहीं हूँ, बल्कि वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कब डालना है। नमक इसी वक्त अगर डाल दिया जाए तो मीट जो है वो अपने सारे जूसेस रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से मीट बहुत ज़्यादा ड्राई बनता है। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि उसे कब डालना है। अब जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है, मैं यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 tablespoon धनिया पाउडर लिया है, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर है, 1/2 teaspoon लाल मिर्ची पाउडर है। ये दोनों चीज़ें 1/2 teaspoon मैंने पहले भी मैरिनेशन में इस्तेमाल किया है। 1/2 teaspoon से थोड़ा ज़्यादा गरम मसाला पाउडर है। ये गरम मसाला पाउडर हमारे चैनल पर मौजूद है, लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, आप इसे देख लेंगे तो फिर आपके लिए मेरे जैसा चिकन बनाना आसान हो जाएगा। 1/4 teaspoon काली मिर्च पाउडर है, 1/2 teaspoon से थोड़ा सा कम भुने हुए जीरा का पाउडर है, और 1 teaspoon से कुछ ज़्यादा नमक है, और 1 लाल मिर्ची है, चिकन को नज़र ना लगे। ये मैंने खेल से कहा है, मैं यहाँ पर इसे बस अच्छा लगता है इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है। पहले मैंने हरी मिर्ची भी इस्तेमाल किया हुआ है। कुछ होल गरम मसाले की ज़रूरत होगी, तो मैंने यहाँ पर जो मसाले इस्तेमाल किए हैं वो आप देख लें। चंदाने काली मिर्च के हैं, स्याह ज़ीरा है, जिसे शाह ज़ीरा भी कहते हैं। अगर ये ज़ीरा आपके पास नहीं है तो सफ़ेद ज़ीरा ना इस्तेमाल करें। दालचीनी है, स्टार एनिस है, 3 हरी इलायची है। कुछ आप अपनी पसंद का मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन में मैं एक और मसाला इस्तेमाल करूंगी, जो कि इसको ओडोरलेस करता है। यूँ तो ये सारे मसाले ही इसके चिकन की खुशबू को इन्हांस करने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन ओडोरलेस करने के लिए एक ख़ास मसाला होता है। एक पैन में 2 tablespoon सरसों का तेल गरम कर लेना है। अब खड़े मसाले को इसमें डालकर कुछ सेकेंड पकने देना है, ताकि ये अपना अरोमा अच्छी तरह से रिलीज करे। अब यहाँ पर हमें अपने मैरिनेट किए हुए चिकन को डाल देना है। यहाँ पर फ्लेम धीमा कर लेना है, और देखिए ये अच्छी तरह से चटक रहा है। अब चिकन डालने के बाद फ्लेम को पूरा हाई पर रखना है,
ताकि चिकन अच्छी तरह से तेज़ी के साथ तला जा सके और ये अपना ज़्यादा मॉइस्चर रिलीज ना करे, बल्कि बाहरी और आउटर लेयर इसकी अच्छी तरह से पक जाए। चिकन को फ्राई करते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि चिकन पीसेज एक साथ इकट्ठा ना हो जाएं, ये थोड़ा अलग अलग रहें तो ज़्यादा बेहतर है, इससे पानी जल्दी एवेपोरेट होगा और चिकन जल्दी ड्राई होगा। एक कढ़ाई में 100 ग्राम मस्टर्ड ऑयल को गरम करें। अब इसमें 3 मीडियम साइज प्याज डालकर लाइट ब्राउन कर लें। अब प्याज हमारा बिल्कुल पिंक ब्राउन हो चुका है और इतना ही हमें चाहिए, तो यहाँ पर हम डालेंगे एक मीडियम साइज कटी हुई टमाटर, साथ में डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन का पेस्ट, इसमें थोड़ी सी अदरक भी शामिल है। साथ में हम अच्छे टेक्सचर के लिए एक क्यूब टोमेटो प्यूरी का डाल रहे हैं। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है, ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी का छींटा भी डाल लें ताकि ये अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। और यहीं पर हमने जो पाउडर मसाला निकाल कर तैयार किया है वो भी डाल देना है इस तरह से। अब थोड़ा सा इसमें पानी डालना है और इसे अच्छी तरह से भून लेना है। थोड़ा और पानी शामिल करते हैं। इसी तरह से पानी डालते हुए हमें कम से कम 5-6 मिनट तक मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है ताकि टमाटर गल जाए और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब 5-6 मिनट तक पकने के बाद मसाला हमारा बहुत ही अच्छा भुना जा चुका है और इसकी काफ़ी अच्छी बाइंडिंग भी है, तो यहाँ पर फ्लेम को हम कर लेंगे धीमा। थोड़ा सा पानी डालेंगे और जो चिकन हमने तल कर रखा है वो इसमें शामिल कर लेना है। देखिए थोड़ा सा पानी डालना है और ये रहा चिकन। इसे अच्छी तरह से मसाले के साथ पका लेना है। पहले तो हम इसे थोड़ी देर तक भूनेंगे, फिर पानी डालकर इसे पकने देंगे। तो है ना ये आसान तरीका, आप देख सकते हैं कितना लाजवाब ये बन रहा है। ना ही इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स है, ना ही इसमें दही है, तो इस तरह से भी आप चिकन बना सकते हैं। पहले के वक्तों में इतना ज़्यादा मसाला नहीं डालते थे और ये चिकन आप डेली भी बना सकते हैं। ये काफ़ी लाइट होता है, मज़ेदार होता है और पकाने में आसान भी होता है। ये अब काफ़ी अच्छी तरह से भुना जा चुका है, तेल भी सेपरेट हो रहा है और चिकन तो हमने पहले ही तल लिया था, तो इसमें अब किसी तरह का भी ओडोर नहीं है, किसी तरह का भी हमक या स्मेल नहीं है और एक खास मसाला इसमें डालना अभी बाकी है। और यहीं पर हम इसमें डालेंगे इसको थोड़ी देर गलने के लिए पानी। यहाँ पर मैंने 150 ml वाले कप से, जिससे हम रोज़ चाय पीते हैं, एक कप हमने पानी डाला है। बॉयल आने के बाद फ्लेम को धीमा कर देना है और इसके गलने का इंतज़ार करना है। ये है वो ख़ास पाउडर जो हमने कहा था कि इसे ओडोरलेस करने के लिए डालना चाहिए। चिकन या मटन या किसी भी तरह की चीज़ ऐसी हो जिसका स्मेल आपको पसंद नहीं है, तो उसमें ये डालने से ये बहुत अच्छा हो जाता है। और ये है जायफल पाउडर, जी हाँ, नटमेग पाउडर। इससे चिकन में बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, बिल्कुल शादियों वाला टेस्ट इसमें आ जाता है। अब आँच धीमी करके इसे गलने दें। दोस्तों लगभग आधे घंटे के बाद मैंने इसे खोल कर देखा है। अब आप देख सकते हैं कि चिकन कितनी अच्छी तरह से तैयार हुआ है। देखिए हड्डियों से ये गोश्त बिल्कुल अलग हो रहा है, देख सकते हैं।
और मसाला भी बिल्कुल थिक है, कितनी अच्छी बाइंडिंग है इसकी। तो आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, तो आप भी इसे इस तरह बनाएं, बहुत मज़ा आएगा। और जब भी इसे बनाएं घर में बटर नान बनाकर उसके साथ इसे सर्व करें। बटर नान की रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है, मैं लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ आई बटन में, आप ज़रूर देखना। अब इसे थोड़े से धनिया की पत्ती से सजा लेना है। तो अब आप देख सकते हैं धनिया की पत्ती से ये कितना खुश रंग दिख रहा है और ये कितना लाजवाब बनने वाला है, इसका तो आप बस अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा हमने कितनी आसानी से इस चिकन करी को तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से एक बार आप भी बनाकर देखें, बहुत आसान तरीका है, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। और सबसे अच्छी बात इस चिकन करी की ये है कि ये जिस दिन तैयार किया जाता है उससे ज़्यादा अच्छा ये नेक्स्ट डे लगता है। तो अगर किसी की दावत करना हो तो एक दिन पहले आप इस चिकन करी को बना कर रेडी कर लें और दूसरे दिन इसे थोड़ा सा गर्म कर लें और फिर सर्व करें। उम्मीद है आज की वीडियो को आपने इंजॉय किया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।